इतना मजा आने वाला है हमको हांगकांग में। ये अमाउंट आ रहा था भाई दो बंदों का हांगकांग का, जिसमें कोई फूड नहीं था। ये हम विदाउट पैकेज जा रहे हैं, 5.5 घंटे की फ्लाइट है, वो हमारी 47,000 कुछ की बुक हुई है भाई। हमने घर बैठे होटल से बुक करे, क्या पता फोटोज में कुछ और दिखा रहे हो वहाँ कुछ और हो। पहली दो रातें हमारी 26,000 में हो गई है, तो लास्ट वाली नाइट भाई वो बहुत अमेजिंग है, 1,00,000 करोड़ बुक हुआ है वो। तो एक वाटर पार्क और एड करवा रखा है हमने, आने की टिकट बुक नहीं करी है, हम रिस्क नहीं ले सकते। 4 बंदों का जो खर्चा आता है वो आता है 5,40,000 का, जो पैसा हमने बचाया है भाई शॉपिंग में लगा देंगे वो ये। रे फिर भी ता नचाने आड़ा मैं चोरा रे आड़े आड़ा। टेस्ट करके बताइयो कैसी है, मैंने इस घर में पहली बार खिचड़ी बनाई है। ओ भाई गाइस आज मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, सही बताऊं तो हर कनिका ने मेरे लिए खिचड़ी बनाई है भाई पहली बार। तूने पहली बार खिचड़ी बनाई है कनिका? ओ सॉरी सॉरी गाइस। हेलो गाइस वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग, आपका स्वागत भाई एक नए ब्लॉग में। वही जोश वही होश वही ताकत वही कुछ भी नहीं है कुछ भी नहीं है क्योंकि भाई तबीयत ढीली हो रही है बहुत ज़्यादा। असल में क्या है ना, कल पूरा दिन हम वहाँ पे घूमे, एक्टिविटी करी हमने, और फिर हम चले गए भाई रात ना कि चले गए हम रात ने, फिर हमने यहाँ बत्तम लगे रहे हो, होटल्स वगैरह बुक करे हांगकांग के, सारी चीज़ें करी। तो हम सुबह सोए 4 बजे मैं रनीत, तो आपको बताऊँगा भाई इतना टाइम क्यों लगा होटल बुक करने में, सारी डिटेल आपको दूंगा। उससे पहले इसको टेस्ट करते हैं भाई कैसी बनी है ये, गरम है कनिका उधर हैं, इतनी गरम खिलाएगी तू मेरे को अभी अभी, इतनी अमीर हो गई मैं अच्छी है मजाक अच्छी है, दही अच्छी है अच्छी बन रही है, मैं टेस्ट कर लूं, मैं तेरे पे यकीन ना करूं। अरे अच्छी है कनिका, इसको यकीन नहीं हो रहा, देख कैसे देख रही है हमको। अच्छी बनी है कुकू, अच्छी है, मस्त है, आई लाइक इट। आज गाइस स्नैपचैट यूज करके इतना मजा आ गया भाई, देख ये फिल्टर देख मैं हूं। हाय रोहित बहुत गंदा लग रहा है, अर्जुन रिएक्शन, चुन्नू की रिएक्शन, सबसे मस्त लग रहा है, बेकार है यो, गंजे वाला लगा ले, यो देखो गाइस ये देखो, हाय रोहित बिना शेव के तू ऐसा लगेगा देख, हाय कैसा लग रहा है, मम्मी कहता ना देख के इसने, और देखो इसका देखियो तू करिए इसके, और देखियो भाई किसी ला देगी जी रोहित तू ज्यादा गंदा लग रहा है। ओ भाई साहब की साला घूम और दिखाइए, ये देखो भाई मम्मी का दिखाऊं, देख 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 बाजली देख, हाँ बेटा किसी लग गए यार, क्या कुछ बता दे पहले एक बार, दोनों में गंदी है, अच्छी वाली है यार सबसे मस्त गाइस ये वाली है, देखियो देही भाओगी, ओए ओ की है देख ये आओगी सबसे मस्त, आप पढ़ रही हो आ करियो इतनी चेंज कर दिए फिल्टर, आराम आराम तो कर, या देखो गाइस या देखो किसी लागे मम्मी ब्राइडल लुक, क्यों कर देखा यार लोग लुक है ओ भाई ओ वो ना पर फोटो आ गया आपका, मजा की बात नहीं है ना, फिल्टर अच्छा है यो फिल्टर अच्छा है, हम ही हो देखो मैं तेरा मारूं पहले बता दियो, ये भी देखो ना कहा निकल दिया ना ना कहो ना देख दिमाग खराब है गे चलो भाई चलते हैं, अब अपने बुला लगाता गाइस बहुत हो गई है मजाक मस्ती भाई, और अब बैठते हैं हांगकांग की चर्चा करेंगे, हम कहाँ रुकने वाले हैं, कौन से होटल बुक किए हमने, कितने में होटल बुक हुआ, वीजा कैसे लिया, वी विल डिस्कस ऑन दिस टॉपिक नाउ गाइस। अगर आप भी कभी हांगकांग जाते हो तो ये चीज़ें बिल्कुल मत करना, और
अगर आप हांगकांग जाते हो तो यहाँ यहाँ रुकना, वो सब कुछ आपको बताने वाला हूँ मैं। चलो बैठा भाई, करें स्टार्ट। आ जाने, चलो क्या है? चल बैठ ले बागवान। गाइस इस रूम के अंदर हम गोरे भी लगते हैं, काले भी लगते हैं, वही बेरा के मामला हो जाए। अब लगा देता हूँ मैं कैमरा, कर देता हूँ पूरा सेट। अब ठीक है, हाँ बेस्ट फ्रेम आ रहा है भाई, बेस्ट फ्रेम। तो गाइस स्टार्ट करते हैं। गाइस हांगकांग के वीजा की बात करूंगा पहले मैं, और उससे पहले बात करता हूँ कि हम कब जा रहे हैं। हम जा रहे हैं भाई फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर, और हमारी फ्लाइट्स बुक हो चुकी है जाने की, आने की भी बुक हमने करी नहीं है, क्योंकि हमने कुछ नहीं बेरा कि हम जिस डेट की हम सोच कर जाओगे उस डेट में हम आओगे या नहीं आओगे, क्योंकि हम विदाउट पैकेज जा रहे हैं तो उसको कस्टमाइज करना हमारे हाथ में है। तो पहले बात करते हैं गाइस पैकेज की। पैकेज हमको पड़ रहा था पर पर्सन 1,30,000 रुपए का, और ये सबसे कम पैकेज है। आपको बोलेंगे तो 2-2 लाख का ही सेम पैकेज, हाँ। पर ये है भाई, हमने रेट कम करवा रखे थे एज ए इन्फ्लुएंसर। और एक रीजन इसका ये भी है महंगे होने का, क्योंकि अभी जापानीज न्यू ईयर चल रहा है हांगकांग में। गाइस पहले आप हांगकांग के सिनेमेटिक्स एंजॉय करो यार, एक बार देखो कैसा है हांगकांग। हांगकांग बहुत ही अमेजिंग है यार, इतना मजा आने वाला है हमको हांगकांग में। अब आपको पता लग गया होगा कि हमने हांगकांग क्यों सिलेक्ट किया। सब कुछ तो है यार, डिज्नी वर्ल्ड है और ओशियन पार्क है, और भाई लाइक एक बुद्धा का स्टेचू है बड़ा बड़ा, और आईफोन सस्ते भी है। तो भाई पहले स्टार्ट करते हैं पैकेज से। लाइक हमारा जो पैकेज जो मैंने बनवाया था वो था एक हफ्ते का, आठ दिन का था शायद। तो वो था भाई 1,35,000 रुपए का, जिसके अंदर हमारी फ्लाइट्स इंक्लूड थी, होटल्स इंक्लूड थे, ठीक है। लेकिन वो पैकेज अब मैं नहीं ले रहा हूँ, और उसमें फूड हम दोनों का नहीं है भाई। 1,35,000 पर पर्सन 1,35,000 का था, तो हमारा बन रहा था भाई दो आदमियों का कितना हो गया, करते हैं कैलकुलेट, 2,70,000 का। हाँ 270 का तो पैकेज था, जिसमें कोई फूड नहीं था कुछ भी। अरे तुमने बेरा हम हांगकांग जाएंगे तो शॉपिंग भी होगी, तो पर पर्सन 20-30,000 ये अमाउंट आ रहा था भाई दो बंदों का हांगकांग का। तो हमने प्लान कैंसिल करा कि अपने आप बुकिंग करेंगे हम, भाई इतने पढ़े लिखे हैं, ठीक है, सब कुछ हमने हांगकांग के ब्लॉग्स भी देख लिए, अगर हम भी अब भी इतना महंगा पैकेज लेते हैं हम तो हमसे मूर्ख कोई भी नहीं है। तो हमने डिसाइड किया कि अपने आप एक काम करेंगे, जो पैकेज बना रखा उन्होंने भाई वो आइटनरी फॉलो कर लेंगे। आइटनरी का मतलब होता है कि जो डे वाइज उन्होंने बना रखा है हमारा पैकेज उसको फॉलो कर लेंगे और सस्ता पड़ जाएगा हमारा। तो गाइज डे वन से स्टार्ट करते हैं। तो डे वन जैसे कि हम एयरपोर्ट जाएंगे यहाँ से दिल्ली, तो हमारी टाइमिंग नहीं बता रहा मैं, डे वन की बात कर रहा हूँ, बताऊँ कितने बजे। तो वो ना होता था, रुक जा एक्साइटमेंट देख रहे हो इसकी। डे वन हमारा स्टार्ट होने वाला है दिल्ली से, दिल्ली टू हांगकांग की हमारी फ्लाइट जो हुई है भाई चार बंदों की, वो हुई है बुक इंडिगो की, और इंडिगो की भाई सबसे सही रेट मिल रही थी हमको, 5.5 घंटे की फ्लाइट है, तो वो हमारी 47,000 कुछ की बुक हुई है भाई, डिस्काउंट कर करा के सारी चीज़ें। हाँ हमने फ्लाइट भी ऑफिशियल वेबसाइट से बुक करी है, अगर आपको भी फ्लाइट बुक करनी है तो भाई आप ऑफिशियल वेबसाइट से बुक करना, लाइक जैसे कि अगर आप इंडिगो की कर रहे हो तो इंडिगो की ऑफिशियल वेबसाइट होती है, आप वहां जाके बुक करो, सस्ती पड़ेगी आपको। फिर उसके बाद हम जाएंगे तसीम शाह सुई, एक सिटी है भाई, नाम याद कर रहा है रोहित। तसीम मतलब ये सुनो ये प्रोनाउंसिएशन मेरी है भाई, वहां पे क्या बोलते हैं उसको, वहां जाके मेरा पता है, तसीम शाह सुई जाएंगे हम हांगकांग में। वहां पे जाके गाइज हमारा होटल है,
पहला होटल जो हमारा है भाई वो है बहुत ही आलीशान होटल, मतलब सारे आलीशान होटल है हमारे, आपको दिखाता हूँ। और ये हमने थोड़े मीडियम रेंज के ही होटल्स बुक किए हैं वहाँ पे, ऐसा नहीं है कि बहुत सब कुछ बताऊंगा कि 2,70,000 का जो हम दोनों का जो खर्चा आ रहा था सिर्फ पैकेज का, वहाँ जो खर्चा होने वाला है उसमें खाने का इंक्लूड नहीं है कुछ भी, ठीक है। और हम अब कितने में करके आएंगे आपको सब कुछ बताऊंगा अभी इसी टाइम। तो हमारा जो पहला होटल है गाइज वो है बेस्ट कोलन होटल, तो आपको सामने दिख नहीं रहा होगा इस कितना जबरदस्त आलीशान होटल है यार, मतलब रूम्स देख रहे हो कितने जबरदस्त रूम्स आ रहे हैं। और ये गाइस बिल्कुल सिटी के बीचों बीच है, तो पहले 2 नाइट का हमारा स्टे होने वाला है यहाँ पे, और इस पे हमको डिस्काउंट मिला है। ये वाली जो नाइट स्टे है ये भी बड़ी खुराफाती होने वाली है। हाँ। वो क्यों होगी वो आप वहाँ जाके देखना भाई, जाके देखना सब कुछ, हम यहाँ भी नहीं बताएंगे, वो एक सरप्राइज रहेगा। तो गाइस ये होटल हमारा मतलब हुआ है हमारा कितने का बुक हुआ है कनी का 14,000 पर नाइट के हिसाब से है एक रूम, तो ये लगा लो आप 14,000 पर नाइट, ठीक है। आपको बस कैलकुलेट करते रहना है कि टोटल कितना खर्चा हुआ, 14,000 पर नाइट के हिसाब से हमारा बुक हुआ है। तो 2 नाइट हैं आगे हमारी, कितने की हुई कनी का एक सेकंड रुको, हमने बुक भी तो किया था ना कल भाई, ए ए ए पूरा आपको दे देंगे ब्यूरो कितने में बुक हुआ हमारा, 32 समथिंग था, 32,000 समथिंग में था ये वाला, 32991 मेरे ने एकदम फिगर याद आ गई। हाँ ए ए ए ना ना ये रहा, अच्छा हमारा हुआ है भाई 26,496 रुपए का। अच्छा हाँ ये फर्स्ट टू नाइट्स का है, फर्स्ट टू नाइट्स का। अच्छा तो पहली 2 रातें हमारी 26,000 में हो गई हैं, करते ना कैलकुलेट, ठीक है। बाकी आपको साइड में मैं यहाँ पे फिगर्स दे भी दूंगा, हमारी 2 नाइट्स 26,000 की हो रही है। फिर उसके बाद जो हमारा होटल है गाइज, और हाँ इन दिनों में इन जो ये 2 दिन है गाइज हम पूरा दिन बाहर रहेंगे होटल में, सिर्फ और सिर्फ शाम को आएंगे सोने के लिए। और इसलिए हमने बहुत ओवर एक्सपेंसिव होटल्स चूज नहीं किया है, हमने देखी है जो हमें फैसिलिटीज हो वो सारी मिल जाएगी। तो फर्स्ट डे गाइज हम जा रहे हैं हांगकांग सिटी टूर में, आपके सामने आ भी रहा होगा भाई सिटी कितनी जबरदस्त लग रही है यार। और बस में जाएंगे गाइज हम, क्योंकि ओपन डेक होगा, ऊपर से आपको पूरे नज़ारे दिखाएंगे, बहुत ही मज़ा आने वाला है। और उसके नेक्स्ट डे हम जा रहे हैं गाइज ओशियन पार्क वर्ल्ड, ओशियन पार्क बहुत ही अमेजिंग है भाई, यहाँ का बहुत बड़ा वाटर पार्क है एक, तब मतलब राय भाई वाटर पार्क इतना एंजॉय करते हैं, मतलब एडवेंचर तो करना ही करना है हमको भाई, ये करने वाले हैं 2 दिन, ठीक है। उसके बाद हमारा होटल चेंज होगा, फिर हम आ जाएंगे इम्पीरियल होटल, ये बिल्कुल नज़दीकी होटल है। और हमने एक चीज़ और करी है भाई कि लाइक होटल 2 दिन बाद हमने ना चेंज करे हैं, हम चाहते एक कम खर्च करते लेकिन हमने चेंज कर दिया ताकि थोड़ा मतलब बोरिंग सा ना हो, कई बार नू हो जाए कि होटल से ही बोर हो गए यार, तो हमने 2 नाइट एक होटल में। एक और चीज बताऊं रोहित, हमने घर बैठे होटल्स बुक करे हैं, वहां जाके क्या पता फोटोज में कुछ और दिखा रहे हो वहाँ कुछ और हो। हाँ। इसलिए हम रिस्क नहीं ले सकते थे, हमने जितना भी स्टे है हमने 2-2-2-2 करके 8 रात तो, वो करी है। हाँ, ऐसे ही किया है हमने, 2 नाइट एक होटल में और 2 नाइट एक में और 2 नाइट 1 में, और जो लास्ट वाली नाइट है भाई वो बहुत अमेजिंग है, 1,00,000 करोड़ बुक हुआ है वो, मतलब 1,00,000 का दिखा रहे थे भाई, 1,00,000 का बुक ना करे उस पर डिस्काउंट मिला है हमको, ठीक है। तो नेक्स्ट होटल हमारा इम्पीरियल आपने देख लिया होगा भाई। और फिर 2 दिन बाद हम मतलब 2 दिन बिता के पहले वाले से फिर इम्पीरियल में आ गए हम। इम्पीरियल में हम क्या करने वाले हैं गाइस, जैसे हम सुबह आ जाएंगे इम्पीरियल में, और फिर उसके बाद हमारा होने वाला है लानताऊ आइलैंड टूर विद राउंड ट्रिप स्टैंडर्ड केबल कार राइड एंड रो पिलेन मोनेस्ट्री बिग बुद्धा, आपको भाई स्क्रीन पे दिख रहा होगा बिग बुद्धा है, हम वहां जाने वाले हैं, तो बाय रोप वे भी जाएंगे और बीच रास्ते में जो भी चीज़ें आएंगी सब कुछ कवर करेंगे भाई। और उससे पहले की रात मैं आपको बता नहीं भूल गया भाई, हम देखने वाले हैं भाई हांगकांग की नाइट का एक हार्बर व्यू होता है भाई पूरा, उसको क्या बोलते हैं कनिका, पूरी वो लाइट शो टाइप, एक लाइट शो दिखता है भाई, में तो कुछ अलग अलग टाइप की लाइट निकलती है और LEDs की वो बिल्डिंग सी बनी हुई है भाई। हालांकि हम पहली बार जा रहे हैं तो कोई इन्फॉर्मेशन गलत हो तो भाई माफ करना, ठीक है। तो वो करने के बाद नेक्स्ट डे है हमारा गाइस डिज्नीलैंड। डिज्नीलैंड भाई सबको पता है कि उन्होंने वो कार्टून देखे होंगे मिक्की वाला, आपके सामने आ भी रहा होगा गाइस ये है मिक्की, तो डिज्नी वर्ल्ड में भी भाई हमको बहुत मजे आने वाले हैं, पूरा दिन हमारा उसके अंदर जाने वाला है, एक तो ओशियन पार्क और एक डिज्नी वर्ल्ड, ये आपको 100% करने हैं अगर आप हांगकांग जा रहे हो तो,
ठीक है, वीजा वाली बात मैं बिल्कुल एंड में करूंगा, ठीक है, ये हो गया। फिर उसके बाद है गाइज हमारा, हाँ 6 तारीख को दोबारा ओशियन पार्क जा रहे हैं। क्यों? अगे वाटर पार्क है, ओशियन पार्क अलग है, वाटर पार्क अलग है गाइज। तो मेरे ख्याल में ओशियन पार्क में एम्यूजमेंट्स वगैरह होंगी सारी चीजें, लेकिन वहां भी वाटर राइड्स हैं ओशियन पार्क में भी, लेकिन एक स्पेशल वाटर पार्क भी ऐड करवा रखा है हमने। मैंने तो ये देखा भाई। अच्छा। तो एक वाटर पार्क और ऐड करवा रखा है हमने, वहां भी हम जाने वाले हैं। ये तो देखो हमें वहां जाके पता लगेगा, इस प्लान में भी कुछ ऊपर नीचे हो सकता है। हाँ। क्योंकि हमने ये पैकेज नहीं लिया, हम इसको फॉलो कर रहे हैं, वहां जाके हमें और चीजों का पता चलेगा, हम वो चीजें एक्सप्लोर करेंगे। और ये व्लॉग हम इसलिए बना रहे हैं ताकि जो हांगकांग गया हुआ है ना वो अपना फीडबैक कमेंट्स में दे दे कि आपने ये मिस कर दिया है, आपको ये पक्का देखना है। तो भाई आप भी 100% कमेंट करना इस वीडियो में जो हांगकांग गए हुए हैं, ताकि हमारा एक्सपीरियंस अच्छा हो जाए और आप लोगों का भी, क्योंकि हम आपको दिखाएंगे ब्लॉग्स के थ्रू। यस, अगर हमारे ब्लॉग्स देख के भी आपको हांगकांग जाना हो तो आपके लिए इजी हो जाएगा, इजी हो जाएगा गाइज। उससे नेक्स्ट डे फिर हमारा होटल हो जाता है चेंज, फिर हम आ गए हैं इस होटल में। कितना अमेजिंग, कितना बड़ा लग रहा है यार ये गाइज, कितना अमेजिंग होटल है यार, और बिल्कुल सिटी के अंदर है गाइज। हमारा ये रूम होने वाला है, मैं भी कुछ नहीं बता भाई, अगर चेंज भी हुआ तो, लेकिन इस टाइप का ही रूम होगा। और फिर गाइज हम जाने वाले हैं यहाँ से ड्रॉप टू फेरी, फिर हम मकाओ जाएंगे। नहीं 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 नहीं, नहीं, नहीं। इस होटल में गाइज हम चेक इन करने के बाद वाटर पार्क वाला जो दिन था वो इसमें ऐड हुआ है हमारा। अच्छा। वाटर पार्क मतलब हम 6 तारीख को होटल चेंज करेंगे ये वाला, तो 6 तारीख को हम वाटर पार्क वाला एंजॉय करेंगे। फिर उससे नेक्स्ट डे हम जाने वाले हैं गाइस फेरी टू मकाओ, हम मकाओ के लिए निकल जाएंगे। फिर हमारा जो आखिरी दिन होगा वो है मकाओ का, तो मकाओ में फुल एंजॉय करने वाले हैं। मकाओ का भाई इतना अमेजिंग होटल है, एक बार आप देखो, बहुत ज्यादा अमेजिंग, पहले एक बार इन्हें एंजॉय करने दे। तो गाइस ये रहा वो होटल, कितना अमेजिंग, कितना बड़ा होटल है, और सबसे बड़ी बात गाइस इसके अंदर कैसीनो भी है। और इस होटल की अगर हम प्राइसिंग की बात करते हैं तो इसका रूम था गाइस 1 लाख समथिंग का, लेकिन ये हमारा बहुत ही अच्छे रेट में हो गया भाई, हमारा ये 12 या 13 हज़ार में पर रूम हो गया। तो डिस्काउंट तो हमको मिला भाई उस दिन, बस ये था कि स्टार्टिंग के मतलब 2-3 दिन हैक्टिक था, लाइक हम जब भी जा रहे हैं ना हांगकांग, तो स्टार्टिंग के 3 दिन वहाँ पे जैपनीज न्यू ईयर चल रहा है, वहाँ पे होटल मिलने बहुत मुश्किल थे, और मतलब मुश्किल ही थे यार, एक्सपेंसिव तो थे ही लेकिन मुश्किल भी थे बहुत। तो हमने फिर भी होटल का जुगाड़ कर लिया भाई, और लास्ट डे हमारा मकाओ में है। लेकिन अभी तक हमने आने की टिकट्स बुक नहीं करी हैं, क्योंकि हमारा प्लान ये है कि मकाओ अगर आप जाते हो तो आप एक दिन के अंदर एक्सप्लोर नहीं कर सकते, क्योंकि मकाओ भी बहुत ही अमेजिंग है, आपके सामने आ रहा होगा। एक बार देखो ये जो टाइम है ना, पहले एक बार से मेडिसिन जो है करो मकाओ के, देखो यार कितना अमेजिंग है मकाओ। भाई मजे आने वाले हैं मकाओ में यार, कितना अमेजिंग था यो। पहले ही से इंसान है, हमको छोड़ो मकाओ पे एक्साइटेड हो रहा है। अच्छा मैं ये कह रही थी रिटर्न टिकट्स हमें करनी ही पड़ेगी, क्योंकि वीजा के लिए हमें रिटर्न टिकट्स दिखानी पड़ेंगी। 1-2 दिन का टाइम और है हमारे पास सोचने के लिए, फिर उसके बाद हम रिटर्न टिकट्स करेंगे। अरे यार मैं तो इनते होटल के बारे में, मेरी बात तो सुनो, वे होटल के जो प्राइसिंग मैंने जब स्टार्टिंग में बात करी थी, मैं बताता रहूंगा, वो तो मैंने बताया ना, क्योंकि एक्साइटमेंट मेरी इतनी हो रही थी। तो पहले दोबारा सुन लो, बता दिया था, अब दूसरे का बता, ठीक है गाइज। अब मेरी बात सुन लो भाई, हमारा कितने में क्या हुआ है। तो पहला जो होटल है हमारा वो हुआ है 26,495 समथिंग का, ठीक है, और जो नेक्स्ट होटल है हमारा वो हुआ है हमारा 26,649 का, ठीक है। हमारी फ्लाइट टिकट्स हुई थी 47,576 की, मतलब ये मैं आपको ना चार बंदों का बता रहा हूँ, और होटल बता रहा हूँ 2-2 रूम के हिसाब से, ठीक है। और फिर हमारा होटल बुक हुआ 32,991 का, फिर एक और होटल हुआ हमारा 34,056 का, सबसे महंगा होटल का एज मेरे ख्याल में ये बुक हो रहा है हमारा शायद कनी का, 34,000 है ना, ये लास्ट डे वाला है। तो हमारा ये था भाई, इसको आप टोटल कर लेना पर पर्सन कितना आ रहा है, मेरे ख्याल में 1 लाख
का तो शायद वो आ रहा है पूरा 17,000 का पड़ा, तू 13,000 का क्यों क्या है? अरे वो तो मिस्टेक होगी होगी यार, कोई ना यार थोड़ा एडजस्ट कर लियो ठीक है। इतने तो लास्ट वाला होटल है हमारा 16,000 to 17,000 का। हाँ लेकिन मेरा बस ये है कि आप पैकेज अगर आप बनवाते हो ना तो अपनी आइटनरी बनवा लो, आइटनरी में आप देख लो पूरा कि कैसे क्या करवा रहे हैं वो, क्या दे रहे हैं वो ठीक है। तो हमारा पर पर्सन अभी तक कितना खर्चा हुआ है गनी का टोटल जोड़न थे? अभी हमारे 180 लग चुके हैं ओवरऑल, जिसमें टिकट्स हो चुकी, टिकट्स होगी, होटल हो चुके हैं, इतना हमारा हो चुका है गाइस 4 बंदों का ठीक है। और जो हमारा पैकेज था वो 135,000 का एक आदमी का था, तो आप तो ये लगा लो मेन खर्चा तो कर ही लिया। अब हमारा क्या रह गया, हमारे ट्रांसफर रह गए, टिकट्स, टिकट ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं, हमने देख ली कोई 4,000 की कोई 5,000 की, वो हम टिकट्स देख चुके। 135,000 के हिसाब से अगर हम लगाते पर पर्सन तो पर पर्सन नहीं टोटल 4 बंदों का जो खर्चा आता है वो आता है 540,000 का, जिसमें से हमने 180,000 तो मैं कहूँ 170 मतलब हमारा ये है कि गाइस 180 में हमने अपनी जाने की फ्लाइट और वहां के होटल बुक कर लिए हैं। अगर हमारा वहां पे और ज्यादा खर्चा होता भी है तो मैक्स टू मैक्स 1,00,000 और लगा लो, 170 के अराउंड खर्चा है 30,000 की, मैंने और टिकट्स लगा ली रिटर्न, तो 2,00,000 में हमारे आने जाने की फ्लाइट्स और होटल्स हो चुके हैं। ऊपर तो मान लो 1-1.5 लाख चलो और भी लगा, ना करेगा अभी आने की फ्लाइट भी तो करनी है, वो मैंने इंक्लूड कर दी, वो अरे इसी में कर दी 180 में 170 लग चुके हैं, चल 2,20,000 लगा ले, भी लगा ले। मेरी बात सुनो तुम, अगर हम पैकेज के थ्रू जाते हैं तो 540,000 का पड़ रहा था ना, तो अब हम सारे होटल्स बुक करके दोनों की फ्लाइट बुक करके वहां की टिकट विकेट मिला के भी हमारा गाइस 220 पड़ा है, 220 भी लगा ले, ये लगा ले कि 3 लगा लो यार मैक्स टू मैक्स, फिर भी हमारे कितने बच गए भाई, 2,40,000 बच गए फिर भी, तो इतना खर्चा बच रहा है हमारा पूरा। हाँ अब बात करते हैं इस वीजा की, वीजा प्रोसेस हांगकांग का बहुत ही सिंपल है, ऑन अराइवल भी मिल जाता है आप। अगर आप हांगकांग का प्लान कर रहे हो तो गाइस सिंपली आप किसी भी वीजा वाले एजेंट के पास जाना, वो पर पर्सन 1,000-1,500 रुपए लेगा आपसे ठीक है, तो वो आपका वीजा बना के दे देगा। अगर आप खुद से अप्लाई करोगे ना, अगर एक भी मिस्टेक हो गई तो आप ये लगा लो कि आपकी फ्लाइट डिले हो जाएगी, आपको वहां पे रोक देंगे वो। तो सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है, जैसे मैं अपनी बताऊं, मैंने एक ब्लॉग देखा था गाइस, उसमें दिखा रखा था कि उन्होंने जैसे प्लेस ऑफ जो बर्थ होता है, मतलब जो वीजा का जो एक फॉर्म था उसमें एक ऑप्शन था प्लेस ऑफ बर्थ, तो उनका जो था ना वो दिल्ली था, मतलब पासपोर्ट के अंदर था दिल्ली दिल्ली, तो उन्होंने सिर्फ एक दिल्ली भरा, इस बात पे उनको वहीं पर रोक दिया और उनसे दोबारा वो फॉर्म भरवाया गया। इतना भाई वो फॉर्म भरवाओगे ना आपकी फ्लाइट छूट जाएगी, तो बिल्कुल सिंगल मिस्टेक भी मत करना पीआर के सिलसिले में, जो भी एक्सपर्ट्स हैं भाई जी, तो हम इतने लाख लगाने लग रहे हैं 4-5,000 और लगा लेना भाई, मैं तो यही बात कहूंगा कि आप उनसे करवा लेना ये काम। तो ये था, बहुत ही इजी है भाई, कोई खर्चा नहीं है और कोई फीस नहीं कटती वीजा की, बहुत ही कम क्या यार, बिल्कुल जीरो है, कोई फीस है ही नहीं वीजा की, तो वीजा तो आपका फ्री मान के चलो, बस जो चार्ज वो लेगा भाई, जो भी आपका डाटा उसमें डालेगा अप्लाई करेगा उसके होंगे 1,000-1,500 पर पर्सन। तो ये था गाइस हमारा पूरा, और डेट्स बताऊं कब जा रहे हैं हम या नहीं बता तो दी, फर्स्ट को फर्स्ट वीक बताई हमने, फर्स्ट नहीं बताई अभी, अच्छा बाकी आइडिया बता देते ही, बाकी आइडिया लगा के होंगे भाई, हम ना बताओ अपने बंदे क्योंकि हम कब जा रहे हैं। तो वही ये था सारा हमारा पूरा हांगकांग का। तो आज तारीख हो गई है गाइस, कितनी 17 तारीख हो गई आज, और क्या दिन रहेगा नहीं का 1 तारीख के, 13 दिन रह गए, लेकिन उससे पहले शॉपिंग भी तो करनी है यार, शॉपिंग जो पैसा हमने बचाया भाई शॉपिंग में लगा देंगे वो है सीरियसली, मजाक कर रहा हूँ ना, मजाक कर रहा हूँ, इतना ना लगाऊं, इतना ना लगाऊं यार, 2,00,000 बचे, 20,000 बीस नहीं, हाँ 20 तो लग जाएंगे, 20 तो लग जाएंगे। तो शॉपिंग करेंगे गाइस इन दिनों में, और आपको हांगकांग के व्लॉग्स इंजॉय करने को मिलेगा, और हमारे साथ एक क्यूट सा कपल भी है, हमारी मस्ती देखना, कैमरा वोड़ा प्रैंक भी हो जाए, तो वेट करो भाई हांगकांग के व्लॉग्स का।
तो बस ये था भाई हमारी आइटनरी की पूरी स्टोरी। इसलिए हमको पूरी रात लग गई भाई होटल बुक करने में, एक एक होटल देखा, रिसर्च करा कि अच्छा है या नहीं है, गूगल पे उसका रिव्यू देखा। बस एक चीज़ कर लेना आप, अगर आप होटल बुक भी कर रहे हो ना, तो मतलब कोई प्रमोशन नहीं है ये, अगोड़ा अच्छी ऐप है, अगोड़ा से कर लेना ठीक है। अगर अगोड़ा पे अच्छा रेट नहीं आ रहा है तो एक्सपीडिया भी अच्छी है, एक्सपीडिया ठीक है। और बाकी इंडियन वाली जो है ना, ये पेटीएम वगैरह ये एक्सपेंसिव है, ये मत करना। मेक माई ट्रिप बहुत एक्सपेंसिव है, ये भी मत करना। बस यही था। ओके गाइज, आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं, फिर मिलते हैं आपसे एक और अच्छे से ब्लॉग में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, लव यू ऑल।